हे व्हाट्स अप वीडियो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज बात करेंगे कि ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी किसको पीना ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे काफ़ी सवाल आते हैं कि यार ब्लैक कॉफ़ी बहुत कड़वी होती है, कैसे पिए, उसको पिया नहीं जाता, उसका कोई ऑल्टरनेट बताओ, क्या ग्रीन टी से वो काम हो जाएगा जो ब्लैक कॉफ़ी से होगा। तो इन्हीं कॉमन सवालों के मैं आज जवाब दूंगा सारे जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी सवाल होंगे वो इस वीडियो में इजीली क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, नीचे लाइक का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन भी होगा, दोनों को लास्ट भी दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तिज़ा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाएँ फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वहाँ आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं वो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी क्यों रिकमेंड करते हैं फैट लॉस वालों को, या एज अ प्री वर्कआउट, ऐसा क्या है उसके अंदर। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि उससे होता क्या है, या इन दोनों में से आपके लिए बेहतर क्या है, सही है। तो जो इसमें मेन कॉमन चीज़ है दोनों के अंदर वो है कैफीन। इसके अलावा भी पोटेशियम है, वाइटामिन है, मैग्नीशियम है, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कैफीन है। अब बेसिकली कैफीन करता क्या है, काफ़ी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, कैफीन एक लीगल ड्रग है, काफ़ी डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो थकावट फील कर रहे होते हैं, जो लेजीनेस फील कर रहे होते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कैफीन का जो काम है, कैफीन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब क्या है, स्टिमुलेट कहते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो आपके आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटीज़ को रेज कर देता है, बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, उससे होता है ये कि आप अलर्टनेस फील करते हैं, आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट फील करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, आपके बॉडी के जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। तो ओवरऑल आप तैयार हो जाते हैं किसी एक्टिविटी, किसी काम को करने के लिए, किसी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये काम होता है कैफीन का। अब बात कर लेते हैं कि एज अ प्री वर्कआउट आपको क्या पीना चाहिए। एज अ प्री वर्कआउट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब वर्कआउट करने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वो इस वजह ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कैफीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी। कैफीन की क्वांटिटी कम से कम 70 to 180 मिलीग्राम होती है ब्लैक कॉफ़ी में। आपकी जो डेली कंजप्शन है वो मैक्सिमम है 400 मिलीग्राम। 400 से ज़्यादा करेंगे तो उसके फिर साइड इफेक्ट होते हैं, और 400 से ज़्यादा कोई करता भी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई पीता भी नहीं है, एक कप आप काफ़ी आपके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिए एज अ प्री वर्कआउट। अब बात करते हैं कि जो फैट लॉस कर रहे हैं, जो दिन भर में वैसे ऐसे प्री वर्कआउट नहीं पी रहे, जो दिन भर में भी यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या पीना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती है कि फिर वो क्या, लोग कहते हैं कि यार बहुत कड़वी है, नहीं पी जा रही, तो क्या करें। तो आप अगर प्री वर्कआउट नहीं पी रहे तब आप ग्रीन टी पी सकते हैं। वैसे ये ऐसा नहीं है कि आपको प्री वर्कआउट लाजमी पीनी है, अगर आपसे नहीं पी जा रही है, अगर आपको बहुत कड़वी लग रही है या कोई और मसला है तो आप ग्रीन टी पी लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है ब्लैक कॉफ़ी। और अगर आप दिन भर में किसी टाइम पी रहे हैं, जैसे सुबह आप पी रहे हैं, मॉर्निंग में पी रहे हैं, तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। कोई आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक कॉफ़ी ही पिए, क्योंकि कैफीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है वर्कआउट से पहले। मैंने आपको बताया है कि क्या होगा अगर आप वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, कैफीन की थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लेंगे, तो आप एक एक्टिवनेस, आपका जो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी जिम में। और अगर आप नोटिस करें, अगर आपने पढ़ा हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्री वर्कआउट में, तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी, वो है कैफीन। आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के अंदर कैफीन की क्वांटिटी ज़रूर नज़र आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी पी लें। और अगर आप सुबह में पी रहे हैं या दिन भर में आप फैट लॉस के लिए कोई ड्रिंक पी रहे हैं, तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको मसला है कि यार कड़वी है, मैं नहीं पी सकता, तो आप ग्रीन टी पी, कोई इशू नहीं है, सही है। इन दोनों में ये फ़र्क है, सिर्फ कैफीन थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है ब्लैक कॉफ़ी के अंदर, ग्रीन टी में थोड़ी सी कम है, बाकी जो विटामिन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये दोनों में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।